कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे भाई। आपका भाई भी है मजे में। भाई अभी हूँ अपनी वर्कशॉप में और आज हमारे पास गाड़ी आई है, मारुति की अल्टो गाड़ी। पुराना मॉडल अल्टो है भाई। अल्टो काफ़ी लोगों के पास है भाई, आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास अल्टो गाड़ी है। और अल्टो एक बहुत ही अच्छी गाड़ी है। मारुति एक छोटे सेगमेंट में देखे ना तो बड़ी प्यारी गाड़ी है भाई। अल्टो में एसी भी बड़ा कामयाब अल्टो का। तो आज अल्टो की करेंगे मेजर सर्विस। मेजर सर्विस की कॉस्ट आपको बताएंगे कि मेजर सर्विस पर अल्टो पे कितना खर्चा आता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। भाई अभी निकाल रहे हैं गाड़ी का इंजन ऑयल। ये है गाड़ी का इंजन ऑयल और ये नया मैकेनिक आया वर्कशॉप में हमारी। भाई अभी सीख रहा है काम, नया बंदा ज्वाइनिंग हुई है इसकी। भाई अल्टो का पेट्रोल फिल्टर ना देखो, यहाँ बैक साइड में होता है पीछे की तरफ जो फ्यूल टैंक होता है अल्टो का। ये है यहाँ पे फ्यूल टैंक अल्टो का, ये जो दिख रहा है आपको। और ये इसके नीचे बिल्कुल यहाँ पे पेट्रोल फिल्टर है, बिल्कुल साथ में ही है पेट्रोल फिल्टर। और इसको निकाल लेंगे अभी। भाई ये जो पेट्रोल फिल्टर आप देख रहे हैं ना, इसकी कंडीशन देखो, कंडीशन ऐसी है बिल्कुल जाम हुआ पड़ा है। जो इसके पाइप है ना वो बिल्कुल सड़ने वाले हैं, ये भी चेंज करने पड़ेंगे। पेट्रोल फिल्टर बीच में उन्होंने कभी चेंज ही नहीं किया, यहाँ भी गाड़ी की सर्विस हुई है पहले, चेंज ही नहीं किया बिल्कुल ही, क्योंकि इसके लिए भी गाड़ी के नीचे घुसना पड़ता है और उन्होंने ये चेंज ही नहीं किया इस चक्कर में। ये जो फिल्टर के ऊपर का जो पाइप है ना देखो, ऊपर वाला भी और ये भी, ये वाला पाइप, ये दोनों बिल्कुल हालत ही ख़राब हो रही है, यानी कि बिल्कुल नाजुक है। और ये ऊपर वाला पाइप है ना जो, ये तो लीक होने वाला था, ऐसी कंडीशन है इसकी, ये दोनों चेंज करने पड़ेंगे, छोटे छोटे टुकड़े हैं दोनों। भाई गाड़ी की मेजर सर्विस में जो सामान डलेगा ना, ये देखो कैस्ट्रोल का ऑयल डालेंगे इसके अंदर, और ये है गियर ऑयल गाड़ी का, स्क्रीन वॉश, और यह बोस कंपनी का इसमें डलेगा ऑयल, एयर फिल्टर और ऑयल फिल्टर डलेंगे ना वो बोस कंपनी का डलेंगे ये वाले। और ये सीनियर की है बूस किट, जो इसके नीचे के बूस ख़राब है ना, बूस दिखाता हूँ आपको कहाँ पे है इसके। ये चिमटे के अंदर जो बूस होते हैं ना, ये बूस है और ये है, ये सारे बूस जो इसके होते हैं सारे इसके अंदर सीनियर कंपनी के बूस किट डालेंगे। जो रबड़ पार्ट है वो सीनियर कंपनी का सबसे बेस्ट होती है बूस किट अल्टो की। भाई अभी खोल रहे हैं गाड़ी के चिमटे और जो रबड़ के बूस होते हैं गाड़ी के, ये देखो ये जो नट खुल है इसके पीछे ये बूस है रबड़ के। और ये जंपिंग राड है गाड़ी की ये वाली, इसमें ये एक बूस होता है एक वो होता है, ये बूस भी चेंज करेंगे इसके। भाई अभी गाड़ी में जो पिन डालेंगे ना क्लिपर पिन है, वो है मारुति की जैनवन, दिखाता हूँ आपको ये है देखो। भाई गाड़ी के जो पुराने चिमटे हैं ना वो ये हैं देखो, और इनकी कंडीशन देखो आप कितनी ख़राब है। देखिए जो गोली है ना चिमटे की बिल्कुल ख़त्म हुई पड़ी है, ये जो मेन गोली है होती है चिमटे की बिल्कुल ख़त्म हुई पड़ी है ये। और इसमें जो नए चिमटे हमने डाले हैं वो दिखाता हूँ आपको, अभी फिटिंग कर दी है नए चिमटे की, वो ये है गाड़ी के अंदर दोनों साइड में नए। अभी जंपिंग राड के बुक डाल रहे हैं और अब इसका ये जो स्टेयरिंग है ना पूरा कम्प्लीट बाहर निकाल लेंगे और इसको ग्रीस करेंगे, डंपर किट इसके अंदर डालेंगे, स्टीयरिंग नया नहीं डालेंगे, वो इसको रिपेयर करेंगे। भाई अभी गाड़ी के अंदर पेट्रोल फिल्टर दिखाता हूँ आपको, ये देखो जो मैंने पहले आपको पाइप दिखाई थे ना ये चेंज किया था, ये पाइप चेंज किया था, ये पेट्रोल फिल्टर है इसका जो नया डाला अभी गाड़ी के अंदर। भाई गाड़ी का जो स्टीयरिंग है ना वो हमने निकाल लिया बाहर और अभी इसको खोलेंगे, उसके अंदर डंपर किट डालेंगे। जो बूस होता है ना रैक बूस होता है इसका, वो यहाँ पर होता है इसके अंदर, ये खोल लेंगे, पिनियन वगैरह देखेंगे इसका ठीक है या नहीं है, चेक करके सारा ये ग्रीस करेंगे, इसके पूरे के अंदर ग्रीस होता है और फिर इसको दोबारा फिट करेंगे। भाई जो स्टीयरिंग मैंने आपको दिखाया था नीचे का स्टीयरिंग रैक था वो पूरा हमने खोल दिया, ये इसका पिनियन वगैरह पड़ा है, यहाँ पे बैरिंग होता है इसके अंदर, जो पुराना बूस है इसके अंदर ये वो पड़ा है घिसा हुआ है, ये डालेंगे इसके अंदर नया। और जो अंदर की राड होती है ना इसकी वो देखो, जो स्टीयरिंग के अंदर राड होती है वो अब सारी डीजल के साथ उसको वॉश करेंगे और नया ग्रीस डाल के फिर नई अच्छी तरह से फिट करेंगे। ये है नई डंपर किट, सारा नया सामान है जो इसके अंदर डलेगा, इसी स्टीयरिंग को रिपेयर कर देंगे भाई, नया स्टीयरिंग डालेंगे इसके अंदर, क्योंकि नया स्टीयरिंग महंगा पड़ेगा थोड़ा सा और गाड़ी के हिसाब से थोड़ा महंगा पड़ेगा, तो गाड़ी अभी पुरानी इसलिए इसको रिपेयर कर रहे हैं।
अभी गाड़ी की तरफ आपको लेके चलता हूँ, तो यहाँ दिखाएंगे गाड़ी की जंपिंग रोड फिट कर रहे हैं भाई। अभी गाड़ी में सारा सामान हमने फिट कर दिया, देखो यहाँ पे पेट्रोल फिल्टर है, ये सामने आपको गाड़ी की दिखाई देंगे चिमटे, बुस्किट वगैरह जो थी वो सारा कुछ डाल दिया इसके अंदर। अभी इसका सिर्फ स्टेयरिंग रह गया है, स्टेयरिंग इसका भी फिट करेंगे और उसके बाद सर्विस का भी सारा सामान हमने गाड़ी के अंदर डाल दिया, स्टेयरिंग फिट करेंगे और फिर उसके बाद गाड़ी की को ट्राई लेंगे भाई। अभी जो स्टेयरिंग की राड है ना उसको ग्रीस कर रहे हैं अच्छी तरह से, और इसके बाद जो इसमें गाड़ी में सामान डालेंगे, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ नया सामान। ये जो पुरानी चीज़ें हैं ना ये एंड है इसके, ये बिल्कुल ख़राब हो रहे हैं, ये नए एंड डाल लेंगे इसके अंदर। और जिसके बाल जॉइंट है पुराने वो दिखाता हूँ आपको, ये देखो भाई ये जो इसके बाल जॉइंट है ना बिल्कुल ख़त्म हो रही है, ये भी और ये भी दोनों बिल्कुल ही ख़त्म है, इनको नए डाल लेंगे। ये दोनों बाल जॉइंट हैं नए जो हमें इस गाड़ी में डाल लेंगे, अभी पहले पूरा ग्रीस करेंगे, रैक पूफ नया डाल लेंगे, साथ में ये डाल लेंगे। भाई अभी का क्या सीन है, गाड़ी का सारा काम हमने कंप्लीट कर दिया, अभी गाड़ी की सिर्फ अलाइनमेंट पेंडिंग है, गाड़ी की अलाइनमेंट करते हैं और यहाँ से निकलते हैं रोड पर, गाड़ी की ट्राई मारते हैं एक बार। और गाड़ी में जो पहले मैंने ट्राई मारी थी गाड़ी की सर्विस से पहले, तो काफ़ी ज़्यादा आवाज़ थी गाड़ी के अंदर भाई, वो आवाज़ क्लियर की है बस, बाकी ज़्यादा काम गाड़ी का नहीं किया। जो गाड़ी का रैक बूस था वो डाला है, और गाड़ी के अंदर जो चिमटे वगैरह ख़राब थे, जो बुस्किट वगैरह ख़राब थी वो डाल ली है बस, ज़्यादा काम नहीं किया, क्योंकि ज़्यादा काम छेड़ेंगे गाड़ी का तो बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाएगा भाई। बाकी इसी से गाड़ी की जो आवाज़ें हैं ना सारी वो लगभग बंद हो जाएंगी सारी, और मज़ा आएगा गाड़ी चलाने में। अगर अभी गाड़ी की मेजर सर्विस कर दी, अलाइनमेंट करते हैं और गाड़ी लेके चलते हैं रोड पर, और फिर बताते हैं आपको गाड़ी की सर्विस पर टोटल खर्चा कितना आया है, सस्पेंशन और गाड़ी की सर्विस टोटल, ये दोनों खर्चे आपको बताता हूँ भाई। अभी अल्टो गाड़ी लेके चले हैं ट्राई पे, और गाड़ी की ट्राई मार दें थोड़ी रोड के ऊपर भाई। रोड पे अभी देखो गाड़ी की पिकअप एकदम बढ़िया मस्त एकदम से भाई। अभी गाड़ी का जो हमने सस्पेंशन का काम किया था ना वो सारा बिल्कुल ओके है, गाड़ी में कोई खटर पटर की आवाज़ नहीं है, नीचे बिल्कुल बढ़िया स्मूथनेस गाड़ी चल रही है। और अभी टोटल खर्चा आपको गाड़ी का बताता हूँ कितना आया सर्विस का भाई। अभी गाड़ी का टोटल खर्चा जो सर्विस का आया ना वो आया लगभग 3500 रुपये, 3500 रुपये में गाड़ी की मेजर सर्विस की है हमने। और सस्पेंशन का जो खर्चा है सर्विस से अलग वो आया है लगभग 3500 के आसपास, 4000 के आसपास। तो टोटल जो गाड़ी का खर्चा आज वो बढ़ा लगभग 8000 के आसपास, सर्विस और प्लस सस्पेंशन, तो सारा कुछ कर दिया गाड़ी का भी। गाड़ी बिल्कुल ओके है, गाड़ी में कोई आवाज़ नहीं है, गाड़ी को चलाने में भी मज़ा आ रहा है। अभी का क्या है, अभी आपको ना गाड़ी की टोटल किलोमीटर दिखाता हूँ मीटर में, देखो ध्यान से, 125,620 किलोमीटर अल्टो गाड़ी है, और 1.25 लाख किलोमीटर के आसपास चल चुकी है, कोई ज़्यादा नहीं है, बाकी गाड़ी की कंडीशन अच्छी है। तो भाई अभी उम्मीद है आपको हमारा ये व्लॉग भी आज का अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो भाई चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और बने रहना हमारी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।